एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राइटर मनीषा जैन, एंकर नितिन दहिया। कौन था मजदूरों का मसीहा? चिदंबरम की राजनीतिक गतिविधियों पर अंग्रेजों की दृष्टि गई। उस समय देश में बंगाली नेता विपिन चंद्रपाल की जेल से निकलने का समारोह बनाया जा रहा था। उसमें चिदंबरम ने भाषण दिया। इस भाषण को सुनकर अंग्रेज ऑफिसर ने उन्हें उनके दोस्त सुब्रमण्य शिवा के साथ तिरुनेलवेली में बुलाया। बातचीत के समय अंग्रेज अफसर ने चिदंबरम की राजनीतिक गतिविधियों की तरफ उनका ध्यान खींचा और सलाह दी कि भविष्य में वो किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लें। चिदंबरम ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चिदंबरम और गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का काफी बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इस विरोध वो सेंट्रल जेल कोयम्बटूर में 9 जुलाई 1908 से बंदी बनकर रह गए। चिदंबरम ने उनकी अपील हाई कोर्ट में की। वहां उनकी सजा कम करके 4 का कारावास और 6 की नजरबंदी की सजा सुनाई। चिदंबरम ने कोयम्बटूर में 9 जुलाई 1908 से 1 दिसंबर 1910 तक और कन्नूर में 1 दिसंबर 1910 से 24 दिसंबर 1912 तक जेल में सजा का पूरा किया। उनके साथ ही 1920 में गांधी के साथ सैद्धांतिक मतभेद के चलते चिदंबरम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो मद्रास में रहकर मजदूर यूनियन पर ध्यान देने और लेख लिखने लगे। सन 1932 में वो तूतुकुड़ी गए और वहां रहकर वो अपना समय लेखन कार्य में और तमिल पुस्तक प्रकाशन में व्यतीत करने लगे। लेकिन इनका मजदूरों को उनकी रोटी, छुट्टी और पूरा वेतन दिलाने में बड़ा हाथ रहा। आजादी से हटकर कुछ ऐसे भी वर्कर रहे जो देश के मजदूरों की रोटी के बारे में भी सोचते थे। ऐसी ही कहानी RRR2 के मेकर्स की फिल्म का हिस्सा बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।